नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS Analysis पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 के मूवमेंट्स को और बैंक निफ्टी को अलग अलग टाइम फ्रेम में। यहाँ मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से पूरी जानकारी मिल सके, तो इस वीडियो को पूरा होने तक अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स का एक मंथली चार्ट। मंथली चार्ट से मैं शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ आप निफ्टी को एक ब्रॉडर सेंस में देख सकते हैं। इस तरह से देख सकते हैं कि निफ्टी के मूवमेंट्स पिछले कुछ सालों में किस तरह से हुए हैं। जब हमने निफ्टी को सन 2008 में इन ऊंचाइयों को छूते हुए देखा था, जब निफ्टी ने 6,347 का एक हाई बनाया था, और वहां से एक गिरावट देखी हमने निफ्टी में। जो शार्प गिरावट थी वो निफ्टी को 2300 के लगभग नीचे स्तर तक ले आई, जहाँ की निफ्टी ने कई महीनों तक कंसोलिडेट किया। यहाँ आप देख रहे हैं कि निफ्टी लगातार कंसोलिडेट करता रहा, और अंत में निफ्टी ने मार्च 2009 में एक अपवर्ड मूव की शुरुआत की, जहाँ फिर से हमने निफ्टी को इन्हीं लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा। ये जो आप लेवल देख रहे हैं 6,396 का, तो यहाँ आप देख सकते हैं निफ्टी ने पहली बार जब अप ट्रेंड में था निफ्टी, तो सन 2008 में 6,362 के लेवल पर जो फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को, जनवरी 2008 में, जहां से निफ्टी में एक बड़ी गिरावट हमने, जहां की निफ्टी ने 2,275 के लेवल्स को छुआ था अक्टूबर 2008 में। उसके बाद निफ्टी लगातार 2,618 के लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करता रहा, जहां बार बार हमने निफ्टी को सपोर्ट लेते हुए देखा। और निफ्टी ने मार्च 2009 से एक अप ट्रेंड की फिर से शुरुआत की, जहां की फिर से निफ्टी को इन्हीं स्तरों पर यानी 6,362 के स्तर पर फिर से रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, जहां की निफ्टी एक बेयरिश फेस में चला गया। और निफ्टी कई महीनों तक, दोस्तों ये एक मंथली चार्ट है, तो यहाँ एक कैंडल का मतलब एक महीने के मूव। तो यहाँ देख सकते हैं कि आप निफ्टी के लिए ये जो लेवल है 6,362 का, ये एक महत्वपूर्ण चुनौती बन चुका था, जहाँ निफ्टी ने फिर से इस अप ट्रेंड में फिर से एक बार रेजिस्टेंस निफ्टी ने देखा इन्हीं स्तरों पर, जहाँ की आप देख सकते हैं कि अक्टूबर 2013 से लेकर फरवरी 2014 तक निफ्टी लगातार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश करता रहा, और फिर एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, जहाँ की निफ्टी को हमने इन स्तरों तक जाते हुए देखा। यहाँ निफ्टी ने रेजिस्टेंस देखा, तो ये लेवल एक अगला मंथली चार्ट का एक अगला लेवल है, जहाँ की निफ्टी के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट है, यानी 9,046 का लेवल मैं कहूंगा इसे। उसके बाद निफ्टी फिर से इस रेंज में आया, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से निफ्टी ने जब इस अप ट्रेंड के अंदर प्रवेश किया, तो यहाँ फिर से निफ्टी को 9,000 के आसपास एक रेजिस्टेंस झेलना पड़ा, जिसके बाद से निफ्टी नीचे आया और फिर से इस जोन में, यहाँ मैं इसे बाइंग जोन मानता हूँ निफ्टी के लिए, जहां से निफ्टी में बाइंग हमने देखी है पिछले कुछ सालों में। जब जब निफ्टी नीचे आया तो यहाँ निफ्टी में बाइंग देखी गई, और जब जब निफ्टी ने इस जोन को छूने की कोशिश की, तो यहाँ हमने रेजिस्टेंस बोलते हुए देखा निफ्टी को, जहाँ की पहली बार हमने इस रेंज में अंदर जाने के बाद निफ्टी को पहला जो रेजिस्टेंस मिला था वो फरवरी 2015 में मिला, और स्तर था 8,972। तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए एक मंथली टाइम फ्रेम में। यहाँ आप देख सकते हैं फिर से निफ्टी ने, जब निफ्टी नीचे आया था 6,838 के लेवल पर, फिर से निफ्टी ने एक नए ट्रेंड की शुरुआत की, और फिर से निफ्टी ने 8,972 के लेवल पर फिर से निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस मिला, और निफ्टी फिर से कई महीनों तक नीचे चला गया, जहाँ की निफ्टी ने फिर से इस लेवल को यानी 7,917 के लेवल को एक अच्छा बेस बनाया, जहाँ से निफ्टी में हमने फिर से अप ट्रेंड की शुरुआत देखी। इन लेवल्स को स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ, इन पर विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये लेवल जहाँ निफ्टी को अभी रेजिस्टेंस झेल रहा है निफ्टी ने इस अप ट्रेंड के दौरान, ये निफ्टी को अब एक सपोर्ट लेवल भी प्रदान कर सकते हैं। तो इसलिए इन लेवल्स का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब जब निफ्टी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़ता है एक मंथली टाइम फ्रेम में, तो वो जब वापस नीचे आता है तो वही जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं वो निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट प्रदान करते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि फिर से एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई निफ्टी में दिसंबर 2016 से, जहां निफ्टी ने एक फिर से अपवर्ड मूव दिखाया, परंतु इस जोन में जाते ही निफ्टी को फिर से सेलिंग देखने को मिली, जहां आप देख सकते हैं कि निफ्टी को अब जो चुनौती मिली थी वो 11,180 के लेवल पर मिली थी, और जहां हमने जनवरी 2018 में निफ्टी को इन स्तरों पर एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए देखा, और ये रेजिस्टेंस लेवल एक विशेष रेजिस्टेंस लेवल था निफ्टी के लिए, जब निफ्टी ने कई महीनों तक, आप देख सकते हैं कि ये लेवल एक कड़ी चुनौती के रूप में निकल कर आया, और उसके बाद निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ा भी, आप देख सकते हैं कि जनवरी 2018 में, परंतु फिर से सेल ऑफ देखा गया।
जब निफ्टी इस जोन के अंदर गया था, इस जोन के इस रेंज में जब जब निफ्टी गया, तब तब निफ्टी में हमने सेलिंग देखी। और जैसा कि फाइनली आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने दिसंबर 2019 में भी एक अटेम्प्ट किया, जब निफ्टी ने इस लेवल्स को छुआ, यानी 12,500 के लेवल को, और निफ्टी में एक शार्प सेल ऑफ यहां से देखा गया, जिसे आप देख सकते हैं कि एक खड़ी गिरावट निफ्टी में फरवरी और मार्च के महीने में जारी रही, जहां की 23 मार्च को निफ्टी ने 7,514 के लेवल को छुआ था। तो यहां निफ्टी को एक अच्छी सपोर्ट मिली 7,514 के लेवल पर, यहां से निफ्टी ने फिर से वापसी ली। आप देख सकते हैं कि अप्रैल 2020 में फिर से ये एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई, और ये अपट्रेंड अभी तक जारी था, जहां की आप देख सकते हैं निफ्टी ने 21 जनवरी 2021 को एक हाईएस्ट लेवल छुए थे, जहां की निफ्टी ने 14,754 के लेवल को छुआ, जहां की निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिल रहा। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक निफ्टी इस अपट्रेंड की इस जोन में गया है, तब तक हमने निफ्टी को एक भारी सेल ऑफ का सामना करते हुए देखा है। जैसा कि यहां देखा जनवरी 2020 में, जब निफ्टी में हमने खड़ी गिरावट देखी थी, जहां निफ्टी 7,514 के लेवल तक नीचे आया था 23 मार्च 2020 को, परंतु फिर से एक अपट्रेंड की शुरुआत हुई, जहां की निफ्टी ने इस अपट्रेंड में इस जोन में घुसने के बाद एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया। और निफ्टी इस लेवल के ऊपर, यानी 12,947 के ऊपर जब से गया है, तब से निफ्टी में एक हमने शॉर्ट कवरिंग देखी। परंतु यहाँ ये लेवल जो है निफ्टी के लिए अब एक कड़ी चुनौती बनता जा रहा है। आइए मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी के लिए ये लेवल किस तरह एक कड़ी चुनौती है, जहां से हमने सेल ऑफ देखा है निफ्टी में। क्यों, किस जनवरी को जब निफ्टी ने इस लेवल को छुआ 14,754 के, तब से निफ्टी में एक भारी गिरावट हमने लगातार आते हुए देखी है, जो कि 22 जनवरी को भी जारी रही, जहां की निफ्टी ने अंत में जो क्लोजिंग दी है 14,371 पर दी है। तो यहां आप देख सकते हैं किस तरह से निफ्टी 14,754 के एक हाई लेवल को छूने के बाद शुक्रवार को क्लोजिंग की 14,371 पर। तो ये एक एग्जॉस्टिव कैंडल बन चुका है एक मंथली टाइम फ्रेम में। आप देख सकते हैं कि ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल है, ये निफ्टी को कहीं नीचे लेके जा सकता है, जहां कि निफ्टी आने वाले दिनों में एक खड़ी गिरावट हमें दिखा सकता है, जो कि आने वाले 2-3 महीनों तक लगातार निफ्टी को काफी नीचे के स्तर भी दिखा सकती है। तो अब देखना है कि निफ्टी बजट तक क्या इस लेवल को बचा पाएगा या नहीं। यानी निफ्टी ने यदि आने वाले हफ्ते में इस अहम सपोर्ट को तोड़ा, तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट निफ्टी का इंतजार कर रही है, जहां की निफ्टी को हम जो सेकंड सपोर्ट है वो इस अपट्रेंड के इस लेवल पर, यानी 12,700 के लेवल पर मिलते हुए देखते हैं, जहां की निफ्टी में एक रिवर्सल देखा जा सकता है। परंतु अब निफ्टी को फिर से इन लेवल्स पर एक कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यदि निफ्टी नीचे आता है, तो अब जो लेवल है जहां से निफ्टी ने एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया है इस ट्रेडिंग जोन में, तो यहां निफ्टी को फिर से एक बार 13,140 पर फिर से एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। यदि निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया आने वाले हफ्ते में, तो यहाँ देखना होगा कि क्या निफ्टी आने वाले हफ्ते में इस इमीडिएट सपोर्ट को बचा पाता है या नहीं। यानी 13,963 की सपोर्ट को यदि निफ्टी बचाने में नाकाम रहता है, तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट की शुरुआत होते हुए देखी जाएगी, जहां की मेरा मानना है कि आने वाले हफ्तों में निफ्टी काफी नीचे के लेवल भी छू सकता है। आइए मैं इसको जूम आउट करता हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कि एक मंथली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने किस तरह इस पीक से, जो कि निफ्टी ने जनवरी के माह में छुआ था, और इस लेवल को छुआ है 7,714 के। तो यहाँ जो गिरावट हुई थी, ये 39.35% की थी, जो कि निफ्टी ने 63 डेज में ये गिरावट देखी, जहाँ की निफ्टी 63 दिनों तक एक लगातार एक शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड में रहा। तो मेरा मानना है कि ये जो एग्जिस्टिंग कैंडल है, जिसकी कंफर्मेशन आने वाले हफ्ते में पूरी तरह से हो जाएगी, तो मेरा मानना है कि यदि निफ्टी आने वाले हफ्ते में 13,963 के लेवल को नहीं बचा पाया, तो निफ्टी में एक बड़ी गिरावट निफ्टी को इस स्तर के भी काफी नीचे तक धकेल सकती है, जहां की मेरा मानना है कि निफ्टी 6372 के लेवल तक भी जा सकता है, जहां की निफ्टी 56% की गिरावट यहाँ अपने ऊपरी स्तरों से देख सकता है, जहां निफ्टी को हम 6362 के लेवल तक भी आते हुए देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और यहाँ मेरा मानना है कि ये जो गिरावट है, ये आने वाले 81 दिनों तक जारी रह सकती है, जहां की निफ्टी 6376 के लेवल को छू सकता है आने वाले 81 दिन में। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी एक खतरनाक स्टेज में आ चुका है। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक वीकली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ जब पिछली बार गिरावट हुई थी, तो किस तरह की फॉर्मेशन थी, जब जनवरी में जो गिरावट की शुरुआत हुई, जब निफ्टी में एक खड़ी गिरावट हमने देखी,
तो यहाँ पर भी एक एग्जॉस्टिव कंडर हमने एक वीक टाइम फ्रेम में देखा था, जिसकी कंफर्मेशन उससे अगले हफ्ते में हो गई थी, यानी फरवरी 2020 का जो महीना था, यहाँ पहली बार कंफर्मेशन दी निफ्टी ने आने वाली खड़ी गिरावट की, जहां कि निफ्टी को हमने फिर 24 फरवरी से एक लगातार खड़ी गिरावट में देखा। आप देख सकते हैं किस तरह ये गिरावट एक खड़ी गिरावट थी, जहां 23 मार्च को निफ्टी ने 7514 के लेवल का छुआ था, और अब ये जो एक अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, तो इस स्तर के ऊपर जो भी मूव हुए हैं, ये तो इन मूव्स में निफ्टी को एक बड़े खतरनाक स्टेज में लाकर पटक दिया है, जहां कि निफ्टी पूरी तरह से ओवरबॉट टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है, जहां कि फंडामेंटल्स बहुत वीक हैं। तो निफ्टी के जो अर्निंग लेवल्स हैं उसके तकरीबन 20 गुना लेवल्स पर ये स्तर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब फिर से एक एग्जॉस्टिव कैंडल बना पिछले हफ्ते में, और पिछले हफ्ते में इस एग्जॉस्टिव कैंडल की पुष्टि इस बड़े एग्जॉस्टिव कैंडल ने कर दी। जैसा कि हमने पिछले हफ्ते में देखा कि निफ्टी ने किस प्रकार 14754 के हाई को छूने के बाद एक भारी सेल ऑफ यहाँ निफ्टी में देखा गया, जहाँ कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग की है वो 14371 पे की है। अब देखना होगा कि क्या आने वाले हफ्ते में जो इमीडिएट सपोर्ट है 14222 का, क्या निफ्टी इस सपोर्ट को बचा पाता है नहीं, और उससे अगला जो सपोर्ट होगा वो निफ्टी के लिए 13963 पर होगा, और यदि निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में इस सपोर्ट को तोड़ा तो एक खड़ी गिरावट की शुरुआत हो जाएगी, जहां से हम निफ्टी में लगातार गिरावट देखेंगे, जहां की कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स मैंने मार्क किए हैं एक वीकली टाइम फ्रेम में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां मुझे ये जो एग्जॉस्टिव कैंडल की कंफर्मेशन हुई है, ये पूरी तरह से आश्वस्त करती है कि हर रैली पर हमें निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल जाएगी। तो अब देखना है क्या निफ्टी में इतनी बड़ी गिरावट फिर से देखी जाएगी, जैसे कि हमने फरवरी 2020 में यहाँ देखी थी, इस वाले हफ्ते में जहाँ की एक बड़ी गिरावट निफ्टी में देखी गई, जहाँ की आप देख सकते हैं निफ्टी ने 12,000 के लेवल से लेकर 11,197 के लेवल तक, यानी तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट दिखाई थी। तो यहाँ मेरा मानना है कि निफ्टी में आने वाले हफ्ते में भी तकरीबन 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आइए अब इस चार्ट को देखते हैं एक डेली टाइम फ्रेम में। तो आप देख सकते हैं निफ्टी की मूवमेंट्स पिछले कुछ ट्रेडिंग सत्रों में किस प्रकार की रही हैं, जबकि मेरा मानना है कि अब निफ्टी यदि इस इमीडिएट सपोर्ट के नीचे यदि निफ्टी ने एक गैप डाउन ओपनिंग दी, यानी 14222 के नीचे यदि निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो देखना होगा कि ये जो लेवल है 13963 का, ये निफ्टी पहले ही ट्रेडिंग सत्र में बचा पाएगा या नहीं, और यदि निफ्टी ने पहले दो ट्रेडिंग सत्रों में इस लेवल को तोड़ दिया 13963 के, तो निफ्टी में एक खड़ी गिरावट निफ्टी को इन स्तरों के नीचे धकेल सकती है। तो दोस्तों आइए अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। तो यहाँ आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का एक डेली चार्ट, जहाँ की आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने किस प्रकार एक हाई बनाया 21 जनवरी 2021 को, जहाँ की बैंक निफ्टी ने 32883 के लेवल को छुआ था, और उसके बाद आप देख सकते हैं एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में देखी गई, जो कि 22 जनवरी को भी जारी रही, जहां की बैंक निफ्टी ने तकरीबन 1000 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दिखाई 22 जनवरी को। तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में भी ये गिरावट काफी अधिक हो सकती है, यदि आने वाले हफ्ते की शुरुआत बैंक निफ्टी ने एक गैप डाउन के साथ की, यदि बैंक निफ्टी 30716 के लेवल को नहीं बचा पाया आने वाले हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सत्र में, तो बैंक निफ्टी को हम इस स्तर तक आते हुए देख सकते हैं, यानी बैंक निफ्टी का फिर टारगेट होगा 29400 का, जहाँ की बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ एक डेली टाइम फ्रेम का जो इचिमोकू क्लाउड का अपर एंड है, जहाँ की बैंक निफ्टी कुछ सपोर्ट देने की कोशिश करे इस रेंज के बीच में, यानी बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट मिल सकती है वो 29529 से लेकर 29944 के बीच में एक सपोर्टिंग जोन बनता है बैंक निफ्टी के लिए, जहाँ की बैंक निफ्टी का जो इमीडिएट सपोर्ट है वो यहाँ है 31422 पर। तो अब देखना है कि क्या बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते की शुरुआत इस इमीडिएट सपोर्ट के नीचे करता है या नहीं, या इस पर सपोर्ट देने की कोशिश करता है। तो ये जो लेवल है 31422 का, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा बैंक निफ्टी के लिए, और अगला जो सपोर्टिंग लेवल होगा वो होगा 31244 का। तो अब देखना है कि बैंक निफ्टी क्या इन दो इमीडिएट सपोर्ट्स को बचा पाते हैं या नहीं। तो मेरा मानना है कि यदि बैंक निफ्टी ने आने वाले हफ्ते में 30200 के लेवल को तोड़ दिया, तो फिर मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में एक तेज गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, जहां कि बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है, जो कि अभी 27000 के लेवल पर है। तो यहाँ बैंक निफ्टी में भी काफी एक बड़ी गिरावट की उम्मीद है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी एक बड़े खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है इस अप ट्रेंड के दौरान। आप यहां देख सकते हैं साफ साफ, जहां की निफ्टी इस अप ट्रेंड में मेंटेन कर रहा था 21 जनवरी तक, तो निफ्टी इस अप ट्रेंड के नीचे आ गया है उसी दिन,
21 जनवरी को इस अपट्रेंड के बाहर आ चुका है नीचे की तरफ। 21 और 22 जनवरी को एक बड़ी गिरावट, जहां बैंक निफ्टी को इस अपट्रेंड से नीचे ले आई है। तो अब देखना कि क्या बैंक निफ्टी आने वाले हफ्ते में जो इमीडिएट सपोर्ट है ये जोन, इस पर सपोर्ट दे पाता है या नहीं। और यदि बैंक निफ्टी ने इस सपोर्ट को तोड़ा तो हम फिर बैंक निफ्टी को आने वाले हफ्ते में इचिमोकु क्राउड के लोअर एंड तक भी आते हुए देख सकते हैं, जो कि 26,946 के लेवल पर है। तो दोस्तों मेरा मानना है कि बजट तक बैंक निफ्टी क्या स्थिति दिखाता है वो डिपेंड करेगी कि बजट के बाद यदि जो हमें बजट से उम्मीदें हैं यदि वो पूरी नहीं हुई तो निफ्टी और बैंक निफ्टी एक बड़ी गिरावट देख सकते हैं, क्योंकि उम्मीदें बहुत हैं परंतु रास्ते बहुत कम हैं। तो देखना है कि अब बजट क्या निवेशकों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, और यदि निवेशकों की उम्मीदें अब टूटी तो यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है एक आम निवेशक की ज्यादा है, क्योंकि FIs लगातार यहाँ सेलिंग कर रहे हैं और सिर्फ एक आम निवेशक यहाँ एंटर हो चुका है, जो कि बैंकों में घटते हुए इंटरेस्ट रेट की वजह से मार्केट्स के ओर आकर्षित हुआ है। जबकि मेरा मानना है कि एक बड़ी गिरावट यदि होती है तो हमें बैंक निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ देखने को मिलेगा। एक बड़ी चुनौती है वो बैंकों के बढ़ते हुए नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं, जो कि हमारे सेंट्रल बैंक के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुके हैं, जहाँ की हमें एक बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में भी जारी तो देखेगी। जब बजट पेश होगा आने वाली 1 फरवरी को, तो हमें देखना है कि उससे पहले बैंक निफ्टी किस स्तर पर होगा। आने वाले हफ्ते में क्या बैंक निफ्टी इस इचिमोकु क्राउड के अंदर एंटर कर चुका होगा आने वाले हफ्ते में, तो बैंक निफ्टी एक खतरनाक स्थिति में पहुंच सकता है बजट से पहले ही। तो यहाँ देखना होगा कि बजट क्या सपोर्टिंग बजट कहलाएगा अब मार्केट्स के लिए, या मार्केट्स को कुछ सहारा देगा या नहीं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।